الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لیجیے حفاظ قرآن مجید کی دستار بندی کی تقریب ہے. تھوڑی دیر کے لیے میری طرف متوجہ ہو جائیں. آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے, توجہ میری طرف فرمائیں. مختصر سا وقت ہے. اس مختصر وقت میں اس حافظ قرآن کو فضیلت کیوں ملی, اس پر میں آپ حضرات سے دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا یہ فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کل قیامت کے دن تورات زبور اور انجیل کے حافظ کو جنت کے 10 ٹکٹ نہیں ملیں گے, حافظ قرآن کو کیوں ملیں گے؟ توجہ ہے میری طرف. اس کے مقام کو سمجھنا ہے. مجھے صرف 10 منٹ توجہ دے دیں, میں بعد مختصر کروں گا, مجھے وقت بہت تنگ ملا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ تورات زبور انجیل کے حافظ کے والد کو قیامت کے دن وہ تاج نہیں ملے گا جو حافظ قرآن کے والد کو ملے گا. میرا سوال سمجھ آ رہا ہے؟ کیا تورات زبور انجیل میرے رب کی اتاری ہوئی کتابیں نہیں؟ آئیں اس کو سمجھیں کہ اس حافظ کا مقام کس وجہ سے. دو باتیں. نمبر ایک, یہ حافظ قرآن ہمارے نبی کے معجزے کی حفاظت کر رہا ہے. میرے عزیز توجہ دیں گے تو میں عقیدے کو مضبوط کروں. معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے. مل کے بولے, معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے. جب توجہ میری طرف پوری کر دیں, جب نبی اپنی نبوت کا اعلان کرے سامنے والے نہ مانے تو پھر نبی کو دلیل دینا پڑتی ہے.
मुअज्जज़ा दिखाना पड़ता है। आसान लफ्ज़ों में मुअज्जज़ा आजिज़ से है, जिसको अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म से कर लें, आम बंदा ना कर सके, उसको मुअज्जज़ा कहते हैं। नहीं बनी तवज्जो आपकी, फिर समझे। मुअज्जज़ा नबी की नबुव्वत की दलील है, और मुअज्जज़ा आजिज़ से, जिसको अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म से कर लें, आम बंदा ना कर सके, उसको क्या कहते हैं? बुलंद आवाज से देखें, सांप का बच्चा संपनी के अंडे से पैदा होता है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी सांप बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? मुअज्जज़ा। ऊंट का बच्चा ऊंटनी से पैदा होता है, और अगर साले अलैहिस्सलाम के हुक्म से पहाड़ी से निकल आए तो उसको क्या कहा जाएगा? मुअज्जज़ा। तो मुअज्जज़ा, तवज्जो मेरी तरफ, मुअज्जज़ा नबी की नबुव्वत की दलील है, नबी की नबुव्वत की दलील है। जब सामने वाला नबी को नहीं मानता तो नबी मुअज्जज़ा दिखा के मनवाता है कि मेरा रब मेरे साथ है। फिर वो कभी लाठी फेंक के सांप बनाता है, कभी हाथ के इशारे से चांद के दो टुकड़े करता है, फिर कभी यूं करके इशारा फरमाते हैं तो दरख्त ज़मीन चीर के कदमों में आते हैं, फिर कभी नबी हुक्म फरमाते हैं तो मुशरिक की मुट्ठी में बंद कंकर कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तवज्जो से समझिएगा, मुअज्जज़ा नबी की नबुव्वत की दलील है। आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कमो बेश सवालात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, आप किसी नबी का मुअज्जज़ा नहीं दिखा सकते। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक आज किसी नबी का मुअज्जज़ा दुनिया में मौजूद नहीं है, सिवाय हमारे नबी इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा। बुलंद आवाज से कहें, बुलंद आवाज से कहें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अगर मुअज्जज़ा मौजूद है तो हमारे नबी का। आज पूरी दुनिया में किसी नबी का मुअज्जज़ा मौजूद नहीं। ये आवाज़ को कौन गड़बड़ कर रहा है बार बार? ये आवाज़ वाला किधर बैठा है भाई? इसको ख़राब ना करो आवाज़ को, आवाज़ ठीक है, फिर बार बार छेड़ रहे हो इसको आप। मेरी बात को चलने दो, मैं पूरी तवज्जो मेरी तरफ मुंतकिल करें। देखें, मुअज्जज़ा नबी की नबुव्वत की दलील है। आपके अचार सद्दा में, आपके पिशावर में ईसाई तबलीग कर रहे हैं, आप उनको मोहब्बत के साथ पूछें, आप तबलीग क्यों कर रहे हो? आप हमें ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की दलील दिखाओ, हम मानकर चलने को, उनके पीछे चलने को तैयार हैं। लाओ वो मिट्टी की चिड़िया लाओ जो ईसा अलैहिस्सलाम जिसको बना के उड़ाया करते थे, दिखाओ वो मादरजाद नबीना जिसको ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते तो बीना हो जाया करता था। आज ईसा अलैहिस्सलाम का मुअज्जज़ा मौजूद नहीं, उनकी दलील नहीं। आओ यहूदियों से पूछो, तुम वर्ल्ड आर्डर के नाम पे पूरी दुनिया पे तसल्लुत चाहते हो, सारी मेहनत, ये नेटो वेटो और ये सारी अक़वामे मुत्तहिदा, ये वर्ल्ड बैंक और ये सारी चीज़ें एक तरफ, तुम मूसा अलैहिस्सलाम का मुअज्जज़ा दिखाओ, हम आज तुम्हारे पीछे चलने को तैयार हैं। उनके पास नबुव्वत की दलील मुअज्जज़ा मौजूद नहीं है। दिखाओ वो लाठी जो सांप बना करती थी, आज बनते हुए दिखाओ। वो नहीं दिखा सकते। देखो बात को समझना, आसान लफ्ज़ों में कहने लगा हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम का दौरे नबुव्वत ख़त्म हुआ तो मुअज्जज़ा भी ख़त्म हो गया, क्योंकि वो नबुव्वत की दलील थी। जब दौरे नबुव्वत ख़त्म हुआ तो दलील की ज़रूरत न रही तो मुअज्जज़ा भी ख़त्म हो गया। आज दुनिया में अगर किसी नबी का मुअज्जज़ा मौजूद है तो वो हमारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वो ये क़ुरान मजीद है। आज भी डंके की चोट पे सारी दुनिया के सामने अगर हम सुरखरू खड़े हैं, हम इज्जत के साथ खड़े हैं, इस मुअज्जज़े की वजह से खड़े हैं। आओ कुरान मजीद का चैलेंज है, कुल इन इज्तमअतिल इंस वल जिन अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरआन ला यातून बिमिस्ली, सारे मिल्क काफिर जोर लगा लें,
कुरान जैसा नहीं बना सकते, फ़तू बिआशरी सूरिन मिसली, दस सूरतें बना के दिखाओ, नहीं बना सकते, फ़तू बिसूरतिन मिन मिसली, एक सूरत बना के दिखाओ। 1400 साल से चैलेंज डंके की चोट पे खड़ा है, सारा कुफर सारा जोर लगा चुका है, कुरान जैसी एक सूरत नहीं बना सका। इसको मुअज्जज़ा कहते हैं। इस मुअज्जज़े की हिफाजत किसने की? इस हाफिज़े कुरान ने की है। 1400 साल से मेरे नबी के मुअज्जज़े की हिफाजत ये हाफिज़े कुरान कर रहा है। आओ एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, मेरे नबी की नबुव्वत की दलील क़यामत तक, तो मेरे नबी का मुअज्जज़ा, मेरे नबी की नबुव्वत की दलील क़यामत तक, मेरे नबी का दौरे नबुव्वत क़यामत तक, तो कुरान महफूज क़यामत तक, तो हाफिज महफूज क़यामत तक, तो कारी मौजूद क़यामत तक, तो मदरसे मौजूद क़यामत तक। मुशर्रफ नहीं, अमेरिका नहीं, दुनिया का बड़े से बड़ा भी उठ के आ जाए, इन मदरसों को नहीं मिटा सकता। ये मेरे नबी के मुअज्जज़े की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह की कसम नहीं मिटा सकते, मेरे नबी का मौजज़ा मिट नहीं सकता, मेरे नबी की नबूवत का ज़माना क़यामत तक है। तो मौजज़ा कुरान भी महफूज रहना है, इस हाफिज़ कुरान ने भी महफूज रहना है। एक बात, मेरे पास वक़्त नहीं था, मैं इसको तफसील से समझा था। एक बात, इस हाफिज़ की शान क्यों बनी? ये मेरे नबी के मौजज़े की हिफाजत कर रहा है। नंबर दो, इस हाफिज़ का मकाम क्यों बना? ये हमारे नबी की तालीमात की हिफाजत कर रहा है। वो किस तरह? मुझे पूरी तवज्जो दे, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं। देखिए, किसी नबी को मानने का मकसद क्या होता है? किसी तवज्जो देंगे तो बात समझ आनी है। किसी नबी को मानने का मकसद यह होता है उसकी तालीमात पे चल के अल्लाह को राजी किया जाए। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة। किसी नबी को मानने का मकसद ये है उसकी तालीमात पे चल के अल्लाह को राज़ी किया जाए। आज मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं सबूत के साथ कहता हूँ, मैं प्रूफ के साथ कहता हूँ, आज किसी नबी की तालीमात महफूज हैं तो फ़कत हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। वो देखो, वो 90-91 की बात है, अमरीका के अंदर एक बहुत बड़ा मुनाजरा हुआ। उस मुनाजरे के अंदर जो ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी था, जिसका नाम विलियम था, विलियम, वो उसने चैलेंज दिया मुसलमानों को, है कोई जो हमारी बाइबल के मुकाबले में आके दलाइल से कोई टक्कर ले सके? तो मुसलमानों के एक बहुत बड़े मुनाजिर गुजरे, अहमद दीदात उनका नाम था, जनूबी अफ्रीका के फोत हो गए, 4-5 साल पहले फोत हुए। उन्होंने चैलेंज कबूल किया, तो वह जो मेरी तरफ रखना, वो पहुंचे अमरीका, ये 90-91 की बात है, पूरी दुनिया का मीडिया मुतवज्जे था। और हाल के अंदर, मेहरबानी आपकी, मेरा सारा ही जोर लगवा दिया पुणे पे ख़त्म करवाने के लिए, अल्लाह आप हजरात को जजाए खैर दे। आपकी तवज्जो से 15 मिनट बढ़ गए हैं, थोड़ी सी तवज्जो और दे दें। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मैं देखो ज़रा और आसानी के साथ आपके सामने अर्ज करता हूँ। वो जो विलियम था, उसने चैलेंज दिया, आओ मुकाबला करो, मुसलमानों की तरफ से अहमद दीदात अमेरिका पहुँचा, पूरी दुनिया का मीडिया मुतवज्जे, आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, उधर ना देखें, वादा करें अब उधर नहीं देखेंगे। उसूल ये होता है, स्टेज उधर बनना चाहिए था ताकि आने वालों की नज़रों से देखने ये हाजरीन मुतासिर ना हो। गुफ्तगू शुरू हुई, अचानक गुफ्तगू के दौरान अहमद दीदात मुसलमान आलम दीन ने अपने जेब से $100 का नोट निकाला और उस ईसाई मुनाजिर को मुखातिब करके कहा, तुम बाइबल का फलाना रुकू मजमे के सामने पढ़ के सुनाओ, तुम्हें $100 इनाम देंगे। $100 इनाम दूंगा, बाइबल का फलाना रुकू पढ़ के सुनाओ। बाइबल मेरा मौजू है, ईसाइत मेरा मौजू है, मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में मदारिस में ईसाइत क्या है और बाइबल से इस्लाम की दावत कैसे देनी है, ये मेरा मौजू है। इन लोगों ने बाइबल में इतनी फोहश बातें शामिल कर दी हैं,
अल्लाह की कसम मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता, मैं घर में बाइबल सरेआम नहीं रख सकता, मैं इतना ही समझा सकता हूं। उस मजमे के सामने अहमद दीदात ने कहा मैं तुम्हें $100 इनाम दूंगा, फुलाना रुकू मजमे को पढ़ के सुनाओ। वो नहीं पढ़ सका। मजमे में मौजूद हजारों ईसाइयों के सर शर्म से झुक गए, नहीं बोल सके, सन्नाटा तारी हो गया। उस सन्नाटे को तोड़ा अहमद दीदात ने। उसने उस ईसाई मुनाजिर से कहा तुम मुझे $1 भी इनाम मत देना, तुम मुझे बताओ मैं कुरान की कहां से तिलावत करूं। सुभान अल्लाह, वो ढीली निकली है आपकी बुलंद आवाज से। अब आप मेरे काबू में आना शुरू हुए, मुझे तो इस वक्त के फंदे ने फंसा दिया था। कहो सुभान अल्लाह। फिर सन्नाटा, वो ईसाई पादरी फिर ना बोल सका। मुसलमान मुनाजिर ने फिर दूसरा सवाल किया, दिल पे हाथ रख के बताओ ईसाई मुनाजिर, तू अपनी बेटी को बाइबल देना पसंद करेगा या कुरान देना पसंद करेगा। उस ईसाई मुनाजिर ने भरे मजमे के सामने ऐलान किया हाँ मैं अपनी बेटी को कुरान देना पसंद करूंगा। आज अगर किसी नबी की तालीमात महफूज तो हमारे नबी की तवज्जो चाहिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 7 कुरान मजीद हाथ से लिखकर मुख्तलिफ जगहों पे भेजे गए, उनमें से 3 कुरान मजीद आज भी मौजूद हैं, एक ताजिकिस्तान में, एक तुर्की में, एक बरतानिया की लाइब्रेरी में। वो जो बरतानिया की लाइब्रेरी है उस कुरान मजीद को जर्मन की टीम ने चेक करना शुरू किया। कब का है? एक टीम ने तजजिया दिया 1400 साल से 1500 साल पुराना है। दूसरी टीम का काम क्या था? उसने उस कुरान मजीद में और आज के कुरान मजीद में चेक करना था। तो जब इस तरफ कहां कहां पर तब्दीली हो चुकी है। एक लंबे अरसे के बाद जब उन्होंने रिपोर्ट जारी की तो उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की, तवज्जो मेरी तरफ रखना, कि उस कुरान मजीद में जिसके ऊपर लिखा हुआ है कतबहु उस्मान इब्न अफ्फान, ये वो कुरान है जो उस्मान गनी ने अपने हाथ से लिखा है, और ये वो कुरान है जिसको पढ़ते हुए हजरत उस्मान गनी शहीद हुए थे। फसयकफीकहुमुल्लाह, इन अल्फाज पर हजरत उस्मान गनी के खून का धब्बा आज भी मौजूद है। वो कुरान बरतानिया की म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, उससे जर्मनी ने चेक किया और बाद में जो रिपोर्ट जारी की। आओ आओ चार सद्दा वालों, में आपका ईमान ताज़ा करना चाहता हूँ। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया? उस कुरान मजीद में और इस कुरान मजीद में जो आज मुसलमानों की मस्जिद में कुरान रखा हुआ है, एक हरफ का भी फर्क नहीं है। मेरी एक दफा गुफ्तगू हुई ईसाई मुनाजरीन के साथ, ईसाई पादरियों के साथ क्वेटा में। गुफ्तगू के दौरान मैंने उनके सामने 2 बाइबलें रखी, एक कैथोलिक वालों की, एक प्रोटेस्टेंट वालों की, कैथोलिक वालों की और प्रोटेस्टेंट वालों की। एक का नाम किताबे मुकद्दस, एक का नाम कलामे मुकद्दस। मैंने उन पादरियों से पूछा ये जो तुम्हारी 2 बाइबलें हैं इनमें एक हरफ का फर्क नहीं है, तवज्जो मेरी तरफ पूरी करना, एक रुकू का फर्क नहीं है, एक सिपारे का फर्क नहीं है, 7 सिपारों का फर्क है। 7 बोलें, कितने सिपारों का? 7। कैथोलिक वालों की बाइबल में 7 सिपारे ज्यादा हैं। और मैंने उनसे कहा तुम एतराज हमारे कुरान पे करते हो जिसका एक एक हरफ महफूज है, तुम हमारे ऊपर एतराज करते हो? हमारे कुरान में तो एक हरफ की भी तब्दीली नहीं है, वजह क्या है? आज ईसाई तबलीग करें और हम खामोश बैठे। और किसी ने बदमाश से पूछा तेरी बदमाशी किस चीज में? कहने लगा तेरी शराफत में। तेरी, बोले बोले तेरी, तू भी आंखें दिखा मैं ठीक हो जाऊंगा।
हमें पता ही नहीं कि 7 सिपारों का फ़र्क हो चुका है बाइबल के अंदर, और वो एतराज़ हमारे कुरान पे करते हैं। वापस आता हूँ गुफ्तगू मुख्तसर करते हुए, इस हाफिज़ की शान क्यों है? नंबर 1, मुअज्जज़े की हिफाजत कर रहा है। नंबर 2, मेरे नबी की तालीमात की हिफाजत कर रहा है। सुनो, मैंने एक जुमला दिया था, उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। हमारे नबी का दौरे नबुवत क़यामत तक नहीं, तवज्जो है, हमारे नबी का दौरे नबुवत बरज़ख में भी है, सुभान अल्लाह नहीं कहते हो, हशर में भी है, जन्नत में भी है। हमारे नबी के मौजज़े का असर बरज़ख में भी है। ज़रा सुनना, एक हदीस सुनाता हूँ, वक़्त तंग है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक़्त, मेरी तरफ ध्यान करना, मैयत को कब्र में लिटाया जाता है तो हदीस में आता है एक खूबसूरत शक्ल में इंसान आता है। मरने वाला पूछता है, तू कौन है जो मेरी वहशत को दूर करने आ गया? मेरे अजीज, आज इस कॉन्फ्रेंस में आप शरीक हैं, मेरा पैगाम लेके जाओ, दिल से बताना मेरे जवाब को। घर में अगर 2 कनाल की कोठी हो, 4000 गज का बंगला हो, 20 लाइटें रात को चल रही हूँ, घर में बेटे को कभी अकेला छोड़ा है? क्यों? वहशत होती है। बड़ा भी अकेला रहे तो वहशत होती है। कभी सोचा है कब्र में क्या बनेगा मेरे बेटे का? उस वहशत का इलाज बताने चला हूँ। आज की कॉन्फ्रेंस का पैगाम सुनो, कब्र की वहशत से बच्चे को बचाना है, आओ इलाज देने लगा हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ, वो कब्र वाला पूछता है उस खूबसूरत शक्ल वाले से, तू कौन है जो मेरी वहशत को दूर करने आ गया? वो खूबसूरत शक्ल का इंसान कहता है, मैं वो तेरी कुरान की तिलावत हूँ जो तू दुनिया में किया करता था। बच्चे की कब्र को वहशत से बचाना है तो कुरान पढ़ाना पड़ेगा। मेरे नबी के मौजज़े का असर बरज़ख में भी चलेगा, हशर में भी चलेगा। जो साथी नए आए वह भी सुने, ये बड़े बड़े अकाबिर उलमा मेरे दाएं बाएं मौजूद हैं, आप हजरात ने कभी नहीं सुना कि हशर के मैदान में तौरात ज़बूर इंजील के हाफिज के वालिद को ताज पहनाया जाएगा? आज हशर के मैदान में मेरा रब तमाम अंबिया और उनकी उम्मतों के सामने ऐलान करके अमल से बताएगा, हाँ आज भी किसी नबी की नबुवत का सिक्का चल सकता है तो वह मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की ज़ात है। जन्नत के 10 टिकट तो राज ज़बूर इंजील के हाफिज को नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ इस हाफिज कुरान को मिलेंगे। मैं अक्सर कहा करता हूँ, इन मदारिस के हुफ्फाज़ से मोहब्बत किया करो, इनको नफरत की निगाह से मत देखा करो, इनकी ज़रूरियात को खामोशी से पूरा कर दिया करो, इनसे मोहब्बत बनाओ, यारी लगाओ। जन्नत के 10 टिकट इनके पास होंगे, MNA और MPA के पास नहीं होंगे। और आखिरी हदीस, हशर में भी मेरे नबी की नबुवत का सिक्का चलेगा, जन्नत में भी मेरे नबी की नबुवत का सिक्का चलेगा। आओ, कारी तैयब कासिमी के उलूम का एक नुक्ता देना चाहता हूँ। हदीस मुबारक में आता है, जब सारे जन्नती जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे, कहो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह हम सबको इकट्ठा फरमा दे, जो आमीन कहेगा अल्लाह इंशाअल्लाह कबूल फरमाएंगे, बुलंद आवाज से सब इकट्ठे हो जाएंगे। हदीस में आता है एक खुशबूदार हवा चलेगी, बेटा बातें नहीं करो, एक खुशबूदार हवा चलेगी। हदीस में आता है उसका नाम होगा मुबशिरा, क्या नाम होगा? उस खुशबू की वजह से जन्नतियों का जिस्म लिबास और मुअत्तर, जन्नती भी कहेंगे आज कोई ख़ास मामला है। फिर अल्लाह ताला सारे अहले जन्नत को इकट्ठा फरमाएंगे और दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे। कौन दाऊद? जब दुनिया में ज़बूर पड़ा करते थे तो परिंदे हवा में ठहर जाया करते थे, इतनी खूबसूरत आवाज़ वाले नबी, तवज्जो मेरी तरफ ज़रा। आज जन्नत में ज़बूर नहीं सुनाएंगे, अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे, ए दाऊद
आज अहल जन्नत को मोहम्मद अरबी पर उतरने वाला कुरान सुनाओ। हदीस में आता है सूरह दुखान की तिलावत फरमाएंगे। दुखान सिर्फ 3 रुकू हैं दुखान के, तवज्जो करना। जब वो 3 रुकू पूरे होंगे उसकी लज्जत ऐसी होगी, हदीस मुबारक में आता है 200 साल तक जन्नती जन्नत को भुला के बैठे होंगे। जरा जुबान से अदा करो, कितना अरसा? 200 नहीं, बोले बोले दो। हमारी उम्र कितनी है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, कोई 90 का हो चला चला जाए ना, वो कहते हैं वक्त पे गया है, जाना तो है ना। अरे मेरे भाई, कुरान की लज्जत को समझ, आज का पैगाम समझ। 200 तो जो मेरी तरफ करना, हदीस सुना रहा हूं, 200 साल। यहां एक उर्दू का लफ्ज फिट बैठता है, पश्तो में पता नहीं है कि नहीं, उर्दू का लफ्ज बड़ा फिट बैठता है, हक्का बक्का। ये जन्नती बैठा है लज्जत में, कुरान की लज्जत में, 3 रुकू सुन के ये बैठा है, दूध की नहरें भुला के बैठा है, शहद की नहरें भुला के बैठा है, उससे आगे नहीं जाता, मौजू लंबा हो जाएगा, बैठा है। तवज्जो करना, जब 200 साल खत्म होंगे और जन्नती थोड़ा थोड़ा होश में आएगा तो अल्लाह ताला पूछेंगे, हाँ भाई इससे भी ज्यादा खूबसूरत आवाज में सुनवाऊं? सुभान अल्लाह, नहीं कहते हो? जन्नती कहेंगे क्यों नहीं, फिर हमारा रब मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा। कोई जुबान खामोश ना रहे, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएंगे, आइए, तवज्जो करना जरा, आखिरी बातें, आइए अहले जन्नत को कुरान सुनाइए। सुभान अल्लाह, ने कहा। अच्छा मेरे अजीज, आखिरी बातें हैं, अल्लाह फिर मुलाकात नसीब में करे। वो तिलावत तो रोको ना अभी, अल्लाह की कसम वो कैसा मंजर होगा वो जो हम अपने नबी का दीदार करेंगे। हदीस मुबारक में आता है 2 सूरतें हमारे नबी सुनाएंगे, सूरह ताहा और यासीन। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, वो जो सूरतें पूरी फरमाएंगे, तिलावत फरमाएंगे, हदीस में आता है 500 साल तक जन्नती जन्नत को भुला के बैठा हो। कितना अरसा? जब 500 साल पूरे हो जाएंगे फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत, अब ये जन्नती थोड़ा थोड़ा होश में आना शुरू होगा, आए हाय मेरे नबी की जुबान, मेरे रब का कुरान और जन्नत का माहौल, तो कैसा लज्जत और कैसी लज्जत। 500 साल के बाद ये थोड़ा थोड़ा जब होश में आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे, हाँ भाई इससे भी ज्यादा खूबसूरत आवाज में सुनवाऊं? अरे सुभान अल्लाह, तो कह दो। जन्नती कहेंगे क्यों नहीं, फिर हमारा रब खुद हमें कुरान सुनाएगा। हदीस में आता है रहमान, तो जो है रहमान खुद सूरह रहमान, फबी आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान। कैसा मंजर होगा जब रब खुद कुरान सुनाएगा। रोकता हूं मौजू को और खत्म करता हूं, आप हजरा से सवाल करने लगा हूं, जब मेरा रब कुरान सुनाएगा तो क्या जन्नत में तौरात वाले मूसा अलैहि सलाम होंगे कि नहीं होंगे? बोलो मियां, इंजील वाले ईसा अलैहि सलाम होंगे कि नहीं होंगे? ओ कमबेश सवालाख अंबिया, अपनी अपनी वहियों वाले मौजूद, आज कोई नबी एतराज नहीं करेगा, ए रब मेरी वही कहाँ है? आज सब नबियों को पता है जन्नत में किसी नबी की नबुवत का सिक्का चल सकता है तो मोहम्मद अरबी अलैहि सलातु वस्सलाम की जात का है। कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जन्नत में जाने के बाद तवज्जो, साबिका अंबिया और उनकी उम्मतें लज्जत की इबादत करना चाहेंगी, तरीका उनको भी हमारे नबी वाला अपनाना पड़ेगा। और हाँ हाँ मेरे भाई,
तौरात ज़बूर इंजील के हाफिज़ को नहीं, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ, तौरात ज़बूर इंजील के हाफिज़ को नहीं, कुरान के हाफिज़ से कहा जाएगा पढ़ता जा। बोलो मियां सुभान अल्लाह, पढ़ता जा और चढ़ता जा। कैसे चढ़ेगा? जैसे मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ता है। जब यहां मौली साहब बयान करते हैं ना, सीढ़ियों पे हाफिज़ कुरान से रब कहेगा अलिफ लाम से शुरू कर व नास तक, सारी जन्नत तेरी, पढ़ता जा और चढ़ता जा। लोग समझते हैं जिस तरह मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ता है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। जरा तवज्जो करना, आखिरी बात है। हदीस में आता है मा बैन समाई वल अर्द, एक दर्जे का फासला जमीन व आसमान के बराबर होगा। आखिरी सवाल करने लगा हूं, मस्जिद में बैठे हो, जुबान खामोश ना रहे, सच बताओ अपनी औलाद के लिए प्लाट बनाते हो कि नहीं बनाते हो? थोड़ी सी जायदाद बचाते हो ना, सुखी रहेंगे। दुनिया का ठेका आपके जुम्मे नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं रिजक मैंने देना है। मैंने गरीब यतीमों को देखा है जो खरबपति बने हैं। दुनिया का ठेका हमारे जुम्मे नहीं है, हम औलाद के लिए करते हैं। जन्नत का वादा मेरे रब का नहीं है, दुनिया का है। जन्नत में औलाद के लिए जायदाद चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो मियाँ, ये जो हाफिज बैठे हैं ना, ये जायदाद इकट्ठी कर रहे हैं, समझो। फिर वरना मरने के बाद समझ आएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन हुफाज के अभी आपके इनके सरों पे जब पगड़ियाँ बांधी जाएंगी, ये आपको समझाया जाएगा जन्नत में जायदाद इनकी बन गई, बाकियों की भी बना लो। वो जो मेरा रब कहेगा ना, पढ़ता जा और चढ़ता जा, क्या ख्याल है? अगर चार सदा का कमिश्नर ये कहे, ये जो मेन चौक है इससे हाफिज कुरान पढ़ता जाए, जहाँ व नास की सीन, सारी प्रॉपर्टी इसकी है, हमारे सारे ही बच्चे हाफिज बन जाएंगे। हैं, पता है ना अरबों की करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अरे जिस दुनिया को मेरे नबी ने मरे हुए बकरी के बच्चे के बदबूदार बच्चे से भी बदतर कहा, वो दुनिया समझ आती है? जन्नत समझ नहीं आती जहाँ हमेशा रहना है? वहाँ की प्रॉपर्टी बनाओ अल्लाह के बंदो, अपनी भी बनाओ, खुद भी हाफिज बनो, बच्चों को भी हाफिज कुरान बनाओ। मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ समेटता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ उन हफाज को और उनके वालिदैन को, जिनके बच्चों की आज यहाँ दस्तार बंदी होनी है। इनका एज़ाज़ क्यों है? एक, ये मेरे नबी के मुअज्जज़े की हिफाजत कर रहे हैं, एक मेरे नबी की तालीमात की हिफाजत कर रहे हैं। घर में माहौल दो इनका हिफ्ज़ बाकी रहे, तभी इनाम मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे का फैज़ ता क़यामत जारी व सारी फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्द।